आज स्कॉलरशिप की वेबसाइट पूरी तरह से ध्वस्त है। तमाम ऐसे छात्र और छात्राएं जो 11वीं और 12वीं कक्षाओं में पढ़ते हैं और जो आगे की शिक्षा के लिए, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो तमाम डी फार्मा और तमाम ऐसी टेक्निकल एजुकेशन हो, उसमें काफ़ी फीस पड़ती है, जिसकी व्यवस्था आज जिनकी आमदनी कम है, जिनकी आय कम है, वो लोग उस फॉर्म को भरते हैं। आज वो वेबसाइट पूरी तरह से बंद है। आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात कर रही थी, जिस तरह से वो डिजिटल इंडिया के दावे कर रही थी, आज ये ध्वस्त वेबसाइट उनको मुंह चढ़ाने का काम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि इस वेबसाइट को कम से कम एक महीने तक और बढ़ाया जाए। इस फॉर्म की जो सीमा थी वो समाप्त होने की स्थिति में है, उसको एक महीने तक कम से कम बढ़ाया जा सके, ताकि छात्र और छात्राएं जो जिनका उनका मौलिक अधिकार है छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति, तो उनको वो हासिल कर सके और स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सके। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इसमें जो तमाम ऐसी तकनीकी दिक्कतें हैं, तमाम ऐसी परेशानियां हैं जिससे छात्र और छात्राएं उस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी आसान करना होगा, उनके तरीकों को आसान करना होगा, ताकि आसानी से छात्र और छात्राएं उन फॉर्म को भर सके। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस फॉर्म की डेट को और एक्सटेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जा सके, ताकि इसका लाभ जो छात्र और छात्राओं की मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों की प्रतिपूर्ति हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम शिशिर वाजपेयी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस सीतापुर।